आजाद भारत की सरकार को उस समय ये सबसे जरूरी बांध परियोजना लगी, क्योंकि इससे न सिर्फ पंजाब बल्कि राजस्थान के उन इलाकों में भी पानी पहुंचाया जा सकता था जहां मानसून के बाद सिंचाई करना संभव ही नहीं था। ऐसे में उस समय ये परियोजना बन गई। कई सर्वेक्षणों के बाद 1948 में बांध के निर्माण का काम शुरू हुआ। यहां पर बता दें कि नांगल बांध एक बैराज बांध है जो भाखड़ा बांध से 10 किमी नीचे की ओर है, पंजाब में स्थित है, जबकि भाखड़ा बांध हिमाचल के बिलासपुर में है। चूंकि दोनों बांध लगभग एक साथ ही बने थे, इसलिए इस पूरी परियोजना का नाम भाखड़ा नांगल परियोजना रखा गया था। 1966 के अंत में भाखड़ा डैम बनकर तैयार हो गया। अक्टूबर 1966 में पंडित नेहरू ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। इस बांध की ऊंचाई 226 मीटर, लंबाई 518.5 मीटर और चौड़ाई लगभग 9.1 मीटर है। बांध का पानी जिस एरिया में इकट्ठा होता है उस जलाशय का नाम गोविंद सागर है। इसमें 9.34 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी जमा किया जा सकता है। इसकी लंबाई 90 किमी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।